तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं मुगल पीरियड की। अकबर के दरबार में पंडित महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से बड़े फेमस हुए। अब इस कहानी में, ये कहानी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये भारत की एक संस्कृति है। हमने फिलॉसफी को कभी फिलॉसफी की तरह नहीं लिखा, ये हमारी बहुत बड़ी खासियत है भारत की। हमने कहानी, हमने फिलॉसफी को, जिसको आप दर्शन कहते हो, हमने उसे कहानी के रूप में लिखा। क्यों? क्योंकि कहानी सबसे सरल माध्यम है किसी भी मैसेज को समझने का। हर कहानी में एक मैसेज है। आप मूवी देखते हो मुन्ना भाई MBBS, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस मूवी से इतने सारे मैसेज लिए। पहला मैसेज, उस मूवी के पहले अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता था तो लोग हॉस्पिटल ले जाने से डरते थे। पुलिस सवाल करेगी, मेरा परिवार फंसेगा, मैं क्यों ले जाऊं। लेकिन उस मूवी से सुप्रीम कोर्ट ने यह मैसेज लिया कि नहीं, जब भी कोई घायल आदमी हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल उसे पहले एडमिट करेगा और जो व्यक्ति लेकर जाएगा उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। पढ़ना जो है ना, पढ़ना एक अधूरा शब्द है। पढ़ना, पढ़ने के साथ है समझना। अब किताबें कैसे लिखी हैं, आप सब एक किताब पढ़ते हो, लेकिन एक आदमी कुछ ज्यादा समझता है, एक आदमी कुछ कम समझता है, उसके पीछे वजह क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। साहब मैं मानता हूं नहीं मिलता। वो किताबें जो हैं वो सीधी लाइन में लिखी गई, ऐसे सारी किताबें, बाइबल, गीता, कुरान, सारी ऐसे सीधी लाइन में। अब मालिक ने क्या कहा हमसे कि किताबें तो लिखी हैं सीधी लाइन में, अगर तुम्हारे में समझ है तो इन लाइनों को जोड़ो। मेरी बात पे फिर से गौर करिए, आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले जाते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं, नहीं। जैसे मूवी मैसेज दे रही है ऐसे वो किताबें भी मैसेज दे रही हैं। अब जब आप लाइनों को जोड़ोगे, अब लाइनें सीधी लाइन में है, अब आप लाइनों को जोड़ोगे, उन जोड़ने के लिए रुकना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप। इसलिए हमने कहा अध्ययन मनन, पढ़ो और सोचो। तो जैसे आपने वो लाइन जोड़ोगे तो फिर आपको दोनों लाइन के बीच का संबंध समझ में आएगा। तो मैं अपनी कहानी पर आता हूं और इस कहानी की मैसेज को देखिए कि कहानी आपसे कहना क्या चाहती। किसी भी चीज को सिर्फ किताब पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता। दुनिया में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, सैफिन साहब आपके सामने, जुडिशरी का एग्जाम होता है, पूरी दुनिया में कहीं भी लेजिस्लेचर के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए किसी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राजशाही है, किंगशिप, वो समझदारी पे डिपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो पंडित महेश दास अकबर के दरबार में आए, बाद में बीरबल बने। तो अकबर के दरबारियों को बहुत बुरा लगा, कह रहे हम लोग शाही खानदान के लोग, ये आम आदमी इसको कहां से उठा लाए, ये नहीं बैठेगा दरबार में। आज तो कंपटीशन है ना, आज तो डेमोक्रेसी है, कंपटीशन है। आप कहीं से भी हो, डेमोक्रेसी कहती टैलेंट है, आगे आओ। आपने कहा साहब हम महाराष्ट्र से, हम बिहार से, अरे उसने कहा ये सब मत बोलो, टैलेंट है, सैफिन हसन हो, हां आगे आओ, नहीं है पीछे हो जाओ।
ये मत बताओ हम राजपूत हैं, हम पठान हैं, हम ये ना, टैलेंट है साबित करो और आगे आओ। तो जब महेश दास को अकबर ने कहा कि हम अपने दरबार में लेंगे, दरबारियों ने बड़ा विरोध किया, यार बिल्कुल नहीं। अकबर को पता था कि आदमी बड़ा काबिल है ये, तो अकबर ने कहा कोई रास्ता तो निकालो यार, कोई कंडीशन तो रखो। तो एक बड़े आलिम बैठे हुए थे, मुल्ला दो प्याजा, बड़े पढ़े लिखे आलिम टाइप के आदमी, उन्होंने कहा शहंशाह एक ही शर्त है, हम अकबर को एक ही शर्त पे अंदर आने, इसको महेश को एक ही शर्त पे अंदर आने देंगे। अकबर ने कहा क्या? बोले अगर ये मेरे सवाल का जवाब दे दे हम इसे बुला ले अंदर। अकबर ने देखा महेश दास की तरफ, बोले शर्त मंजूर है? बोले हां साहब मंजूर है। तो अकबर ने कहा कि मौलाना साहब पूछिए। तो मौलाना साहब ने महेश दास से कहा कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पर बीरबल ने कहा कि सरकार मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, आप चाहते हैं कि शहंशाह अमर हो जाएं, आप चाहते हैं कि शहंशाह की जो हुकूमत है वो पूरी दुनिया पे फैल जाए, आप चाहते हैं कि दुनिया की जितनी खूबसूरत औरतें शहंशाह की सबसे शादी हो जाए। मौलाना साहब तो हंसने लगे। अकबर ने पलट के देखा, कहा मौलाना साहब? बोले सरकार बस यही बातें सोच रहा था सरकार। ये पहला मंत्र है सफलता का, पढ़ना नहीं है, मैसेज। आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो? आप स्ट्रेस लेके काम करते हो, पढ़ना है। मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है इतनी, पर कब? जब आप उन्हें समझो। मैसेज पढ़ो किसके लिए? मैसेज के लिए। अगर आपकी पढ़ाई से आपको मैसेज नहीं मिलता बेकार है। आपने कहा साहब ये किताब खत्म कर ली, मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूं एनसीईआरटी, मैं तो बड़ी किताबों, आईएएस बनना मतलब क्या? समझदारी। पहले अटेम्प्ट में 22 साल में हमारा कुछ नहीं है इसमें, हम ये नहीं कहेंगे हमने बनाया भाई, हमने भाई साहब, नहीं नहीं, हमें बनाना आता हम अपनी बहन को बना देते, भाई को बना देते। ये इस पूरे आदमी, इसकी योग्यता है इस आदमी की। इसने हमसे पूछा कि सर दिल्ली किधर से जाए, हमने कहा इधर से चले आओ, बस इतना रोल था हमारा, और ये आदमी चला गया। लेकिन जब तेंदुलकर का नाम होगा, सर ने अभी नाम लिया, तो आचरेकर तो होगा ही, हमारा तो होना ही था। हमारी लालच तो यही है, एक टीचर एक लालच में जीता है कि जब मेरे स्टूडेंट का नाम होगा तो उसकी जीवनी में एक लाइन मेरे नाम पर भी होगा, ये उसकी लालच है। पैसा तो मालिक बहुत दे रहा है लेकिन नाम, मैसेज।